छठ व्रत करने वाले महिलाएं आप देख रहे हैं किस प्रकार से छठ पूजा की खरीदारी करके बाजार से आगे बढ़ रहे हैं। सिर पर दौरा लेकर गोद में छोटे बच्चों को उठा करके ये छठ पर्व का क्रेज है, ये छठ पर्व की आस्था है, ये छठ पर्व की ताकत है। ये बताती है कि छठ पर्व को क्यों आस्था का महापर्व कहा जाता है। यहाँ एक बहुत सुंदर अंकल आ गए हैं, इन्होंने बहुत सुंदर जैकेट पहनी है, चंदन लगाया, टीका लगाया है, गमछा है। सर क्या नाम है आपका? पंडित राजेंद्र नाम। हाँ पंडित राजेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे छठ पर्व को लेकर आप? बहुत अच्छा पूजा हो गया यहाँ भीमनगर में और हमारे होशियारपुर में छठ पूजा बहुत अच्छा मनाया जाता है। पर्व बहुत अच्छा है, जो भी पूजा करता है उसका भला भी होता है, अच्छा भला होता है। आज बाजार में कैसी रौनक देखने को मिल रही है? रौनक बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, इससे अच्छा कल भी रहेगा, कल और अच्छा रहेगा। पूजा बहुत अच्छा होता है, लोग और बहुत सूर्यदेव का करते हैं, आराधना करते हैं, फिर छठी मैया का सुबह सूर्यदेव निकला, सूर्यदेव का पूजा करते हैं, जल में खड़े होके बढ़िया पवित्र करते हैं, पूजा करते हैं। पंडित जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोंडा के रहने वाले। गोंडा उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। क्या बात है। आज ये जो बड़ी बड़ी बसें इस रास्ते में चल रही है, इसे कितना खतरनाक मानते हैं आप, क्योंकि लोग इसी में शॉपिंग कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बसें? इनको सरकार रोक नहीं पाती है, दिक्कत होता है। इधर में नो एंट्री होनी चाहिए, अभी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ का एरिया है पर नो एंट्री नहीं करते हैं, बाईपास से इनको बाहर घुमाना चाहिए, पर ये शहर में होके निकलती है। वैसे आज फिलहाल पूजा के दिन में तो इनको बिल्कुल नहीं अंदर आना देना चाहिए, क्योंकि इधर में भीड़ ज़्यादा हो रहा है, पूजा का पर्व है, आगे भी बहुत भीड़ लगा हुआ है, इस साइड में भी भीड़ लगा हुआ है, पर बाईपास से घुमाते नहीं है ना इनको, पूरा जाम हो जाता है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। प्रतिज्ञा, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है इस बार छठ पर्व पे बाजार में? इस बार में ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे साल पुराने हो जा रहे, लोगों में विश्वास ज्यादा बढ़ता जा रहा है और लोग ज्यादा ही छठ व्रत करे जा रहे हैं, और हर पहले से ज्यादा उत्साह है, पहले से ज्यादा बिक्री और पहले से ज्यादा माना जा रहा है। अब इस वर्ष हर कोई, हर धर्म के लोग भी इसे अपना रहे हैं, क्योंकि इसमें मनोकामना सारी पूरी होती है। प्रतिज्ञा, यदि बात करें हम छठ पूजा की, तो क्या कुछ इतिहास रहा है छठ पूजा का? छठ पूजा पीछे माता आती है, हमारे बिहार साथ में ये होता है कि माता अपने नैहर मतलब मायके आती हैं और 3 दिन रहती हैं, और फिर उसके बाद सारे भक्तों की झोली भर के वो जाती हैं। हाँ जी, फिर अगले 3 दिन का होता है, पहले दिन नहाखा होता है, उसके अगले दिन रसियाव रोटी, और फिर लास्ट में शाम को 6 बजे से घाट पे जाया जाता है, फिर उसके अगले दिन जब सूरज भगवान उगते हैं उसके साथ अर्घ दे के छठ व्रत का समाप्ति किया जाता है।